93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। लीना का फोन होल्ड पर था। एक ही बात उसे बार बार उसके फोन पर सुनाई दे रही थी। आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, कृपया लाइन पे बने रहे। कस्टमर केयर में दूसरी ओर बैठा विष्णु कॉल होल्ड पर रखकर बाथरूम गया था। बहुत देर से एक के बाद एक कॉल अटेंड कर रहा था। इस वाली पर रोक नहीं पाया और सोचा प्रॉब्लम 10 सेकंड की ही है, अभी सॉल्व कर दूंगा, और बिल्कुल वैसा ही किया भी उसने। बाथरूम से लौटकर तुरंत लीना की परेशानी ठीक की और थैंक यू बोलकर फोन रख दिया। लेकिन लीना अच्छी लग गई थी उसे। डेटाबेस में फोटो देख के ही विष्णु खुश था। सोचा यहां से अभी फोन नहीं करेगा। रात को घर के लिए निकला तो भी अपने मोबाइल से फोन ना करके एक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया, वहां से फोन मिलाया और लीना के उठाते ही बात बड़ी हिचकिचाहट के साथ शुरू की। पहले तो लीना पहचान नहीं पाई, तो विष्णु थोड़ी घबराहट और एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं उसी कस्टमर केयर में काम करता हूं। याद है आपने आज अपनी वारंटी एक्सटेंड करवाने के लिए फोन किया था मुझे। इस पर लीना भी थोड़ा शर्मा कर बोली, तो फिर बूथ से फोन क्यों कर रहे हो? विष्णु को जरा अजीब लगा कि लीना को कैसे पता कि वो किसी पब्लिक बूथ से फोन कर रहा था। तो लीना ने बताया कि कॉइन डालते ही एक बीप की एक आवाज उसने सुनी थी, जिससे वो सब कुछ समझ गई। अब जाकर विष्णु थोड़ा ठीक हुआ और उसने कहा, अब वो किसी कस्टमर से तो ऐसे बात नहीं कर सकते ना, लेकिन तुम बहुत अच्छी लगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनकर लीना शर्माकर जरा सा हंसी और उसने कहा, अरे मैं आज के जमाने की लड़की हूं, दिक्कत होगी तो ब्लॉक कर सकती हूं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। विष्णु भी समझ गया कि बात बन रही है। लीना ने उससे पूछा कि वो फिलहाल कहां है, तो विष्णु ने उसे जो जगह बताई उसका नाम सुनते ही लीना खुश होकर बोली, ये तो मोड़ पे ही है, तुम एक काम करो ना, सामने लंबी वाली बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे आ जाओ, मैं यही रहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हें होल पे नहीं रखूंगी। विष्णु की तो आज लॉटरी लग गई थी। उसने बाइक उठाई और सीधा लीना के बताए फ्लैट पर पहुंच गया। लेकिन पहुंचते ही समझ गया कि मजाक हुआ है उसके साथ। शायद दरवाजा बंद था और ताला लगा था। विष्णु हताश होकर वापस जाने को पलटा ही था, जब उसने देखा परी जैसी खूबसूरत लीना सीढ़ियों से उतर रही थी। हाथ में एक बंडल कपड़े थे, जरूर छत से कपड़े लाने गई थी। विष्णु को देखते ही मुस्कुराई और बालों को कान के पीछे फंसा के बोली, वो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है चोरी वोरी की, इसलिए हर वक्त लॉक रखना पड़ता है। दोनों के चेहरे पर थोड़ी हया, थोड़ी शर्म और ढेर सारा एक्साइटमेंट था। लीना ने ताला खोलकर दरवाजा खोला और विष्णु के अंदर आते ही इधर उधर देखकर लीना ने ग्रिल गेट बंद करके उसकी जाली से हाथ निकालकर ताला लगाया, ताकि ऐसा लगे कि ताला बाहर से बंद है और घर के अंदर कोई नहीं है। विष्णु तो घर में घुसते ही खुश हो गया। बड़ी ही मदहोशी भरी भीनी भीनी सी खुशबू चारों ओर फैली थी। बेहद खूबसूरत सजावट थी, बड़ा ही गजब का माहौल हो गया था। लीना ने विष्णु को बैठने को कहा और बोली कि वो 5 मिनट में कॉफी बना के ला रही है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, लेकिन लीना नहीं लौटी। विष्णु ने 2-3 आवाजें लगाई उसे, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो उठा और अंदर की ओर जाने को बढ़ा। और जैसे ही दूसरे कमरे में विष्णु ने पैर रखा तो उसे अपनी
आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने मकड़ी के जाले लगे थे, फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था, दीवारें सीलन से खराब हो चुकी थी, चूहे चुचुंदर और कुछ पंछी मर के सड़े पड़े थे। बदबू ऐसी थी कि बस उल्टी ही हो जाती। अभी विष्णु उस कमरे से वापस उसी खूबसूरत से कमरे में आने को निकला तो अब ऐसी घिन आई उसे जैसे उन सड़े गले जानवरों का सड़ा हुआ मांस उसके बदन पर मल दिया हो किसी ने, क्योंकि वो खूबसूरत सा घर पूरे का पूरा किसी शमशान से कम नहीं लग रहा था। विष्णु अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये हुआ क्या था अचानक। वो पूरे घर में इधर से उधर अंधेरे में गिरता पड़ता बस भागे जा रहा था। विष्णु का ऐसा हाल था जैसे उसे बक्से में बंद कर दिया गया हो, हवा बिल्कुल भी ना हो और उस घुटन में उसके शरीर में कीड़े मकोड़े रेंग रहे हो। विष्णु पागलों की तरह कभी इस दरवाजे को पीटता तो कभी उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन भागने का कोई रास्ता था ही नहीं। फ्लैट 8वें माले पर था, वहां से तो कूद भी नहीं सकता था। विष्णु को कुछ वक्त लगा ये समझने में कि वो ऐसे नहीं भाग पाएगा वहां से। उसने आखिरकार खुद को संभाला, शांत किया और फोन निकालकर अपने दोस्त को बुलाने को फोन किया। जब उसने फोन किया तो किस्मत बुरी होने का मतलब क्या हो सकता है, वो उसे फोन की दूसरी ओर से आती आवाज ने समझा दिया। आपके पास पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण आप ये कॉल नहीं कर सकते। दिल तो किया कि फोन वहीं पटक कर तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन वही फोन ही उसे वहां से निकाल सकता था। कस्टमर केयर में काम करता था विष्णु, इतना तो पता था कि हर जगह कस्टमर केयर में 3 मिनट के 50 पैसे नहीं लगते, कहीं कहीं बिना चार्ज के भी फोन कर सकते हैं और किसी भी एग्जीक्यूटिव से बात हो गई तो कम से कम इंसानियत के नाते ही सही, कुछ तो मदद करेगा ना। विष्णु ने अपने पास रखे 1-2 नंबर निकाले और पहला नंबर मिलाया। 2-3 ऑप्शंस के बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने की बारी आई तो किसी के फोन उठाने से पहले ही, आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया लाइन पे बने रहे। 10 सेकंड भी इंतजार करे इतना सब्र नहीं था, वक्त और हालात थे ही ऐसे। विष्णु ने तुरंत दूसरे नंबर पर फोन किया तो उस पे भी, आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, आपका कॉल हमारे लिए। विष्णु ने एक के बाद एक सब पे कोशिश की लेकिन हर बार यही हुआ और आखिरकार अचानक उसे लगा जैसे वो तो जमीन पर नहीं खड़ा था बल्कि गीले सीमेंट में धंस रहा था। और जैसे जैसे घुटन बढ़ती गई और गले तक फंसा तो सामने लीना खड़ी थी और हाथ हिलाकर मुस्कुराती हुई अलविदा कह रही थी, जब अचानक, हे विष्णु, विष्णु सो गए क्या? विष्णु ने एक झटके से आंख खोली तो पाया कि वो वहीं सोफे पर बैठा हुआ सो गया था और ये सब कुछ एक बहुत ही बुरा सपना था। चाह कर भी 2 मिनट तक उठकर खड़ा तक नहीं हो पाया वो, लग रहा था जैसे वो सब कुछ सच देखा था और अब वापस जो सजावट और खूबसूरती देख रहा था वो सब कुछ एक झूठ था।
सच्चाई और झूठ के बीच के फर्क और फासले पर यकीन नहीं हो रहा था विष्णु को। विष्णु ने किसी तरह खुद को संभाला, चारों ओर घबराई और डरी हुई एक नजर घुमाई। यकीन हुआ जब कि वो ठीक ही है और अब सब कुछ सही है। तब कहीं जाकर आखिरकार विष्णु उठकर खड़ा हुआ और लीना से कहा, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूं? लीना ने मुस्कुराकर उसे बाथरूम का रास्ता दिखाया। विष्णु दो कदम लड़खड़ाया और फिर बाथरूम जाकर मुंह पे पानी के छींटे तब तक मारता गया जब तक उसकी आंखों की नींद, हाथ पैरों की बेचैनी और दिल की घबराहट पूरी तरह ना निकल गई। आखिरकार एक राहत भरी सांस लेकर विष्णु ने बाथरूम से निकलने को बाथरूम का दरवाजा बस खोला भर था कि चारों ओर फिर से एक बार वही मंजर था। वही गंदी सी सीलन और लाशें सड़ने की बदबू, टूटा फूटा सामान, दीमक लगी लकड़ियां और एक अजीब सा अंधेरा। विष्णु ने वही किया जो कोई भी करता। तुरंत एक झटके में उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया और वापस नल चलाकर मुंह पे पानी के छींटे मारने लग गया। बहुत मुश्किल से विष्णु ने अपने आप को किसी तरह संभाला और इधर उधर चारों ओर देखा। बाथरूम बिल्कुल ठीक था। विष्णु की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी तो उसने दरवाजा जरा सा खोलकर झांका तो जान में उसके जान आई। सामने ही सोफा था, लीना उस पर बैठी कॉफी पी रही थी। विष्णु ने बाहर निकल के दरवाजे को बंद किया और जाकर चुपचाप लीना के पास बैठकर बोला, लीना आई गेस यार तुम्हारे घर में ना कुछ गड़बड़ है। मुझे ना बार बार अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कुछ तो है जो मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। लीना ने विष्णु को एक पल को घूरा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली कि शायद वो नशे में था, किसी ने उसे कुछ खिला पिला दिया है जिसकी वजह से ऐसी उल्टी सीधी चीजें सोच और देख रहा था वो। लीना ने आगे कहा, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूं, तुम्हें बेहतर लगेगा। ओके, इतना कहकर लीना किचन की ओर चली गई नींबू पानी बनाने और एक बार फिर से 5 मिनट की जगह 10 से 15 मिनट हो गए पर लीना नहीं आई। विष्णु ने नजर घुमाकर देखा तो सब कुछ ठीक था। उसने खुद को एक बहुत ही जोर से चुटकी काटी तब जाकर यकीन हुआ कि सब कुछ वो सही देख रहा है। विष्णु उठा और कमरे से बाहर धीमे धीमे कदमों से किचन की ओर गया तो किचन में कदम रखते ही विष्णु ने देखा चारों ओर फिर से वही शमशान जैसी खामोशी थी, वही लाशें सड़ने की बदबू थी और मौत का सन्नाटा चीख रहा था हर तरफ। लेकिन लीना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। विष्णु समझ चुका था कि यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। उसने तुरंत जेब से फोन निकालकर दोस्त को फोन मिलाया तो आवाज आई, आपके पास पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण आप ये कॉल नहीं कर सकते। विष्णु को यकीन ही नहीं हुआ इस पे। अभी सवेरे ही 500 रुपए का रिचार्ज करवाया था और ये तो पहला फोन था जो उसने किया था। सपने में देखी हुई तरकीब लगाकर कस्टमर केयर में फोन मिलाया तो वहां भी सपने में जो देखा था वैसा ही हाल हुआ और सुनाई दिया, आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया लाइन पे बने रहे। विष्णु
एक आवाज सुनकर दोबारा अपनी नींद से जागा। हे विष्णु, विष्णु सो गए क्या? विष्णु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। एक ही चीज बार बार क्यों हो रही थी उसके साथ? वो किसी भी हालत में होता तो भी घूम फिर कर वापस ऐसे ही जाग रहा था। लीना एक छोटे शहर से बड़े शहर में नौकरी करने आई लड़की थी। दिन भर ऑफिस का काम और फिर रात को खुद ही खाना बनाकर खाना खाना, कभी कभार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बस यही थी उसकी जिंदगी। सीधी सादी सी लड़की थी वो। बड़े शहर में आकर भी घर से जुड़ी हुई थी, अपनी मिट्टी को भूली नहीं थी, किसी की भी मदद को हमेशा तैयार रहती थी। लंच के बाद वक्त देखकर अपने लैपटॉप के किसी काम के सिलसिले में कस्टमर केयर में उसने फोन किया था। काफी दिनों से वो कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार फोन इतना लंबा होल्ड करवा देते थे कि काम तो होता ही नहीं था और टाइम अलग से बर्बाद हो जाता था। आज तो उसने सोच लिया था कि काम करवा के ही मानेगी। फुटपाथ पर टहलते टहलते बात कर रही थी और कस्टमर केयर ने आदत के चलते फालतू में लीना की कॉल होल्ड पर डाल रखी थी। आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है। आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया लाइन पे बने रहे। लीना ने एक नहीं दो तीन बार फोन किया लेकिन हर बार वही एक किस्सा। गुस्से में फोन होल्ड किए हुए ही रास्ता पार करके वापस जाते वक्त एक गाड़ी की टक्कर लगने से लीना की मौत हुई थी। एक वक्त था जब कस्टमर केयर ने लीना को होल्ड पर रखा था और आज एक वक्त है जब लीना नाम की लड़की किसी कस्टमर केयर में फोन करे और उसका कॉल कोई होल्ड पर रख दे तो वो उनकी जिंदगी होल्ड पर डाल देती है। उनकी जिंदगी को वो एक भयानक मोड़ पर ले जाकर रोक देती है और बार बार उनके साथ एक ही जैसी दर्दनाक और भयानक चीजें होती है और जिंदगी की सारी खुशियां होल्ड पे आ जाती है। हाय कस्टमर केयर, मैं लीना बोल रही हूँ। वो एक्चुअली मुझे अपने लैपटॉप के वारंटी एक्सटेंशन के बारे में पूछना था। यस मैम, हैप्पी टू हेल्प यू। आप प्लीज एक मिनट फोन होल्ड करेंगी? या श्योर, थैंक यू सो मच। मैं हूँ प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।